हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो जैसा आप जानते हैं, ये जो चैनल है ये आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा है एनटीए यूजीसी नेट 2022 का कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है मैनेजमेंट यूनिट मैनेजमेंट की यूनिट्स का, जिसमें वी हैव ऑलरेडी डन विथ लॉट्स ऑफ यूनिट। हमारी यूनिट 1, 2, 3, हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो चुकी है, 8 अबाउट टू कंप्लीट है, 9 यूनिट कंप्लीट हमारी हो चुकी है। बहुत जल्द हम यूनिट 7 और यूनिट 10 भी कंप्लीट कर लेंगे। बस ये दो यूनिट हमारी बची हुई हैं। इसके बाद वी आर स्टार्टिंग दी एमसीक्यू सेशंस, जिसको आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक है। सुनने में आया है कि जून में अगर आप लोगों के एग्जाम है तो ये सारे सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो उसी के चलते आज हम लोग यहाँ पर यूनिट 8 का ही स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बेसिक रोल एंड स्कोप्स क्या हैं, इनको हम देखने वाले हैं। इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में आप देखोगे कि जो हमारा फैसिलिटी लोकेशन है वो क्या होता है, फैसिलिटी लेआउट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप इसके आगे आने वाली वीडियोज में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलते हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस के हो, क्विजेस के हो। जैसे कल ही मैंने आप लोगों को एक क्विज वहां पर भेजा था जो कि आपके 2022 के क्वेश्चन से रिलेटेड था। तो सारी की सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, तो इसे जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क किए जाते हैं, उन्हीं में से एक टास्क है ऑपरेशंस। आखिर ये ऑपरेशंस क्या है? हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब ये ऑपरेशन क्या है? ये ऑपरेशन वो सारे बिजनेस फंक्शंस, वो सारे रिस्पॉन्सिबल्स, मतलब वो सारे बिजनेस फंक्शन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, आपके जितने भी रिसोर्सेज, आपके जो प्रोडक्ट को बनाने में ज़रूरत होती है या कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ये सारे वो काम है जो एक कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी जो आपको काम प्रोवाइड कराती है वो सब की सब यहाँ पर ऑपरेशंस कहे जाते हैं। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है? एक बिजनेस फंक्शन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड जो भी आपके रिसोर्स की नीडेड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग है, वो सारे काम ये करेगा रिगार्डिंग द रिसोर्स जो कि आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को बनाने में हेल्पफुल करता है। टोटली अगर देखा जाए तो जो हमारा इनपुट है वो इनपुट प्रोसेस से होता हुआ हमको प्रोवाइड कराता है आउटपुट, ठीक है ना। तो बस वही वाला फंडा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो इनपुट है, उस इनपुट यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल जो है वो हमारे फिनिश गुड में कन्वर्ट अगर जब होता है तो वो सारी प्रोसेस जो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, दे ऑल कम्स अंडर द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो व्हाट आर द बेसिक पर्पस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट? ये ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों हम ऑपरेशन मैनेजमेंट को इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कंसर्न करता है प्रोडक्शन प्रोसेस की कंट्रोलिंग से और बिजनेस ऑपरेशन इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जितना ज्यादा हो सके एफिशिएंट मैनर में बिजनेस के ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा सके। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनली अटेम्प्ट करता है और बैलेंस करता है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिवेन्यू के साथ में, जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अचीव हो सके। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गई ना, चलो इसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। इसका काम है जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, साथ ही साथ जो भी कॉस्ट लग रहा है इन सारे ऑपरेशंस में, उन कॉस्ट से हमको रिवेन्यू बराबर मिल जाए उसके बारे में ध्यान देना। इस कॉस्ट से वी गेट द रिवेन्यू और ऐसा रिवेन्यू कि हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम अचीव कर सके, इस प्रस्पेक्टिव से इसको किया जाता है, ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शन है, कहां कहां पर इसको यूज किया जाता है? एवरीवेयर। एक प्रोडक्शन करने के लिए कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है, कौन कौन से टास्क रिक्वायर्ड हैं, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की जा रही है, प्रोडक्ट को किस तरीके से उसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है, उसका प्लान क्या है,
क्वालिटी मेंटेन करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू आर यूजिंग, ये सारी की सारी चीजें जो होती है ये किसकी मदद से होंगी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट की मदद से होंगी। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर आपके पास होगा तो प्रॉपर तरीके से आप फाइनेंस का यूज कर पाएंगे, सारे टास्क कंप्लीट कर पाएंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजीज तैयार कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को अपने जो कस्टमर से वहां तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट का डिजाइन आप तैयार कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। सो दे आर द बेसिक फंडा रिगार्डिंग द ऑपरेशन मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द बेसिक रोल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिल्कुल सिंपल से रोल है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करने का काम करता है, जैसा मैंने अभी बताया था कि रॉ मटेरियल को इट कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, ये आपका फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इनपुट आर द रिसोर्सेस, इनपुट जो होते हैं वो हमारे रिसोर्सेस हो सकते हैं जैसे कि पीपल, मटेरियल, मनी, एंड आउटपुट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी प्रोवाइडेड टू आवर कस्टमर, वो हमारे आउटपुट्स होंगे। नाउ What is the basic importance of operations management? Operation management की importance क्या है? So guys, इसकी मदद से हम कुछ important objective achieve कर पाते हैं। Like सभी जानते हैं कि जो भी हम task करते हैं, that is basically कि हम optimum utilize कर सकें किस चीज का, हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके हमारे रिसोर्सेज का। वो रिसोर्सेज आपके पीपल भी हो सकते हैं और वो रिसोर्सेज आपके रॉ मटेरियल या फिर वॉट एवर द मटेरियल जो है वो आपका हो सकता है। सो दैट इज बेसिकली कि हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, अगर पीपल की बात करें तो हम एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, हम कंपनी की गुडविल को इन्हेंस करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं सारे रिसोर्सेज का और एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है कि सारा काम अच्छा चल रहा है, वी गेट द प्रॉफिट्स प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी बिकॉज वी डिलीवर द डिलीवरी वी डिलीवर द गुड प्रोडक्ट एंड ऑल। सो दे आर द बेसिक फंक्शन जो हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बेसिकली एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, गुडविल इन्हेंस करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज, सब बेसिकली वही है जो सारे हम देखते आए हैं। साथ ही साथ अब बात आती है कि इसके स्कोप्स क्या होता है, स्कोप का मतलब क्या होता है, वो एरिया जहां पर इसका यूज किया जा रहा है, वो कौन सा एरिया है जहां पर आप इसको यूज कर रहे हो या क्यों आप इसको यूज कर रहे हो। तो वो सारे एरिया जो हमारी कंपनी में मौजूद है उन सभी के लिए हम इसका यूज करते हैं, लाइक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, हम अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, रिवेन्यू बढ़ाना, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट की नीड है उसे कम करना, अननेसेसरी का जो डिडक्शन है उसे कम, मतलब जो वेस्टेज हो रही है उसे कम करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, कंपनी की गुडविल को इन्हेंस करना, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन या न्यू टेक्निक्स को बढ़ाना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रॉफिट को इन्हेंस करना, ये ही बेसिक आपके इसके स्कोप्स होते हैं, वो एरिया होते हैं जिसके लिए हम ऑपरेशन मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक रिगार्डिंग दी ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो ज़्यादातर आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर आप लोगों से पूछे जाए तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, जिसमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट के डेफिनेशंस या ऑपरेशन मैनेजमेंट की नीड आपको मल्टीपल चॉइस में दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है विच वन रिलेटेड टू दी बेस्ट वन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। नाउ द नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे फैसिलिटी लोकेशन एंड फैसिलिटी लेआउट्स और उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स। थैंक यू सो मच। ज्वाइन टेलीग्राम गाइस, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी चल रही है, पेपर वन के लिए सुबह 11 बजे और पेपर टू के लिए दोपहर में 12:30 बजे, तो उनको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ऑल द बेस्ट।